Hello friends, welcome to my YouTube channel. For this video on making a Nifty analysis for next week. So let's start with the monthly chart. Last trading session mein Nifty band hua hai lagbhag 250 point niche 17166 pe lagbhag 1.5% humne niche closing dekhi hai. To yahan jo hai to mera jo target yahan mera jo view tha sell on rise ka wo actually play out hua Friday ke din. Thursday ke din humne achhi khasi short covering dekhi. उसमें जो है तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए, मगर जो हमारा ब्रॉडर व्यू था सेल ऑन राइज का तो वो ऑलरेडी प्ले आउट हो रहा है और मुझे लगता है कि मंडे के दिन हमें और भी ज़्यादा उसमें प्रॉफिट देखने को मिलेगा, क्योंकि डाउ जोंस लगभग 1000 पॉइंट नीचे बंद हुआ है. तो यहाँ जो है तो अच्छा खासा जो प्राइमरी ट्रेंड है वो ओवरटेक कर रहा है. बीच बीच में जो है तो कभी शॉर्ट कवरिंग या फिर उठपटांग मूव्स आते हैं, तो इसीलिए स्टॉप लॉस जो फिनोमेना है वो रखा है. आपको हर दम स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना चाहिए. अगर आप स्टॉप लॉस के साथ नहीं ट्रेड करते हो तो मोस्ट प्रोबेबली किसी दिन आपका अकाउंट जो है तो ब्लॉक हो जाएगा और उसके जिम्मेदार आप खुद ही होंगे. तो यहाँ अभी देखते हैं चार्ट पे, मंथली चार्ट पे आप देखोगे कि निफ्टी जो है तो लगभग 300 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है लगभग 1.7%. पिछले महीने हमने लगभग 4% का गेन देखा था, इस महीने जो है तो लगभग 1.5% प्लस हम 300 पॉइंट के साथ नीचे ट्रेड कर रहे हैं. अभी देखते हैं वीकली चार्ट. तो वीकली चार्ट पे यहाँ जो है तो हमने एक अप मूव देखी थी, उसके बाद में एक अच्छा खासा करेक्शन और सेल ऑफ देखा, प्रॉफिट बुकिंग देखी, शॉर्ट कवरिंग देखी और फिर से जो है तो ट्रेंड जो है तो यहाँ आप देख रहे हो कि पहले हम हायर टॉप और बॉटम का साइकिल चालू था, अभी जो है तो लोअर टॉप लोअर बॉटम का साइकिल शुरू होगा. और यहाँ जो है तो हो सकता है कि मीडियम टू लॉन्गर टर्म में हमें ये जो लो है ये भी टूटता हुआ दिखेगा. कम से कम ये लो तो टेस्ट करेगा मार्केट, हो सकता है कि उसके नीचे जाए. उसके नीचे जाने की पॉसिबिलिटी मुझे ज़्यादा लगती है और हम जो है तो शायद नया लो मीडियम टू लॉन्गर टर्म में निफ्टी पे आते हुए देखेंगे. यहाँ जो है तो 16650 का जो टारगेट है वो अभी भी खुला है और मुझे लगता है कि शायद अगले हफ्ते हमें वो टारगेट अच्छी होते हुए देखेंगे. यहाँ जो है तो अगर 16650 का लेवल टूटता है तो एक्सपेक्ट कीजिए उसका अगला वीक जो है तो एक बड़ी सी रेड कैंडल बनेगी. उसके बाद में फिर से जो है तो आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, मगर नेक्स्ट मुझे लगता है कि 2-3 हफ्ते या फिर 4 हफ्ते मार्केट के लिए बहुत ही कठिन होने वाले हैं. यहाँ जो है तो बियर्स जो है तो हावी रहेंगे और हमें जो है तो मार्केट में एक अच्छा खासा वेल्थ डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, प्राइस डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा. तो यहाँ अगर आपको ट्रेड और यहाँ वोलेटिलिटी भी ज़्यादा रहेगी तो ट्रेड विद द स्टॉप लॉस ही कीजिए. यहाँ वीकली चार्ट पे 16650 और उसके बाद में मुझे लगता है कि 15900 के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं इन मीडियम टर्म. प्राइस पैटर्न वाइज इंडिकेटर वाइज दोनों तरफ बेयरिश है निफ्टी ऑन वीकली चार्ट, तो हम नीचे के लेवल ही एक्सपेक्ट करेंगे. अभी देखते हैं डेली चार्ट. तो डेली चार्ट पे आप देख सकते हो कि हमने जो है तो शॉर्ट कवरिंग के रैली के साथ शुरुआत की थी और अभी यहाँ जो है तो प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है. यहाँ हमने फिर से 200 डेज एवरेज के अराउंड सपोर्ट लिया, वहाँ से बाउंस बैक किया और फिर से हम जो है तो बाउंस बैक करने के बाद जो है तो फिर से जो डाउन ट्रेंड है वो कंटिन्यू कर रहे हैं. तो यहाँ 16900 और 16600 ये दो मेजर टारगेट हैं. उसके नीचे जो है तो 16200 और लगभग 15750, तो 15750 क्योंकि ये पिछला लो है. तो यहाँ मेरा कॉन्जर्वेटिव टारगेट रहेगा, मुझे लगता है कि हो सकता है कि 16600 के बाद हमें बाउंस बैक भी देखने को मिले. तो मेरा जो टारगेट रहेगा नेक्स्ट वीक के लिए वो रहेगा 16900 और उसके बाद में 16620 का टारगेट हम निफ्टी फ्यूचर पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं. अगर 16600 टूट जाता है तो 16200 तक और 15900 तक भी मूव आ सकते हैं, मगर वो मूव जो रहेगी वो थोड़ी सी हाई रिस्क रहेगा और उसमें जो है तो उसके बाद में आपको शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि वहाँ जो है तो मुझे लगता है कि वो यहाँ फिर से जो है तो जो शॉर्ट बनेंगे बॉटम पे उनको ट्रैप करेंगे जैसे हमने यहाँ देखा था. तो यहाँ मार्केट दोनों तरह के ट्रेडर को ट्रैप करने की कोशिश करेगा, मगर मोस्टली उसका जो मेजर ट्रेंड रहेगा वो करेक्शन की तरफ ही रहेगा. तो यहाँ ऊपर की तरफ आपको सेल करने का ही सोचना है विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और आपको स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करना है. यहाँ जो है तो फ्यूचर में 300-400 के अराउंड फिर से शॉर्ट करने की आपका मौका था विद 100-150 पॉइंट का स्टॉप लॉस. टारगेट सेम 16900 और 16600. मंडे के दिन तो आपको गैप डाउन ही ओपनिंग मिलेगी और शायद हम 16900 पे ओपन होंगे.
हो सकता है कि 16600 पे भी हो, अगर 16600 पे होते तो वहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी, एक बाउंस बैक ज़रूर आएगा 16600 के लेवल के करीब से। तो वहाँ जो है तो बिल्कुल शॉर्ट नहीं करना है। अगर टारगेट पे खुलता है मार्केट तो आप दो कर सकते हो, दो सिनेरियो रहते हैं आपके सामने, एक तो वेट एंड वॉच या फिर जो है तो अगेंस्ट द ट्रेंड जाना, वो भी स्टॉप लॉस के साथ, और वो भी इंट्राडे में ही जाना है आपको। वो जो लॉन्ग ट्रेड जो है तो इस मार्केट में कैरी बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आपको लॉन्ग जाना है, जब आप अगेंस्ट द ट्रेंड जाते हो तो ट्रेड जो है तो कभी भी कैरी नहीं करनी, वो इंट्राडे में ही क्लोज कर देनी है आपको। तो यहाँ 16600 तक हम देख सकते हैं, और उसके नीचे जाता है तो 16200 तक भी आपको निफ्टी शायद आने वाले हफ्ते में लेवल्स दिखा सकता है, और जो सेल ऑन राइज स्ट्रेटजी थी वो प्ले आउट होते हुए दिख रहे हैं हमें। ऑप्शन ट्रेडर जो है तो उन्हें 17300, मैंने कहा था कि इन द मनी जो पुट ऑप्शन है उस पर फोकस कीजिए, तो यहाँ 17300 का पुट ऑप्शन जो है तो जिन्होंने भी लिया होगा आपको तो शायद ओपनिंग पे ही लगभग 2x 2.5x जो है तो गेंस देखने को मिल जाएंगे, तो वो उसको बुक कर लीजिए, या फिर अगर आपको होल्ड करना ही है तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा। मगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का प्रॉब्लम ये है, अगर आप वो ट्रेड कैरी करते हो और नेक्स्ट दिन आपके अगेंस्ट मार्केट खुलता है तो जो भी प्रॉफिट है वो वाइप आउट हो जाता है। तो मेरी सलाह रहेगी, आई मोस्टली प्रीफर जो भी प्रॉफिट मिल रहा है वो बुक कर लीजिए और फिर से नई ट्रेड बनाते हैं, क्योंकि मार्केट तो कहीं जाने वाला नहीं है। मार्केट में हर दिन अपॉर्चुनिटी रहती है, आपको सिर्फ अपॉर्चुनिटी ढूंढने की देर रहती है, और आपका जो है तो नॉलेज आपका इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप जो भी अपॉर्चुनिटी पकड़ेंगे उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम आपको प्रॉफिट हो। यहाँ वोलेटिलिटी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, मार्केट का रेंज जो है तो ज़्यादा रहेगा 200-300 पॉइंट की आपको दोनों तरफ जो है तो सेल ऑफ भी दिखेगा और शॉर्ट कवरिंग भी दिखेगी, तो स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कीजिए। यहाँ मोस्टली मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक जो है तो बियर के फेवर में जाने वाला है, और वो उसको जो है तो पेन झेलने को मिलेंगे या फिर लॉसेस लेने पड़ेंगे। तो आई होप सो कि जो एनालिसिस है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको श्योर शॉट इंडेक्स कॉल चाहिए फ्यूचर में और ऑप्शन में तो मेरी प्रीमियम सर्विस ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।